हेलो एवरीवन, आप सभी का करवाने में बेहद स्वागत है। आज हम देखते हैं कि जिनका मूलांक 6 होता है, भाग्यांक 3 होता है, वो लोग कैसे होते हैं। देखिए, 6 और 3 यानी कि एक दूसरे के जस्ट अपोजिट नंबर्स, ठीक है। ऐसे नंबर्स की जिसके अंदर कहा जाता है कि ये दोनों नंबर्स एक दूसरे की टोटली एंटी होते हैं, और एंटी यानी कि पर्सन का खुद से ही द्वंद चलना, युद्ध चलना। दोनों ही यानी कि राक्षस भी शरीर के अंदर है एंड देवता भी शरीर के अंदर, पेशेंस भी शरीर के अंदर है एंड साथ के साथ खुराफाती दिमाग भी शरीर के अंदर है, ठीक है। एक तरफ दिमाग कहेगा सात्विकता, एक तरफ दिमाग कहेगा मटेरियल सानिध्य, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि अब जैसे कि नंबर 6 है, 6 यानी कि पर्सन का जो पूरा का पूरी पर्सनैलिटी है, वो पर्सनैलिटी कहाँ पर गई, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, ठीक है। वीनस यानी कि जिस जो भी व्यक्ति नंबर 6 से गवर्न होगा, यानी कि वीनस से गवर्न होगा, वो पर्सन जो है बहुत ज़्यादा सुंदर होगा, अट्रैक्टिव होगा एंड यंग होगा, ठीक है। जैसे कि कहते हैं ना कि एज का भी पता नहीं चलता, बढ़ती उम्र का भी पता नहीं चलता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं, बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं एंड साथ के साथ जो है मटेरियल्स इन्हें बहुत अट्रैक्ट करती है, लग्जरी बहुत अट्रैक्ट करती है, ठीक है, ब्यूटी बहुत अट्रैक्ट करती है, फ्रेग्रेंस बहुत अट्रैक्ट करती है। तो ये पर्सन जो है इस टाइप का होता है, ठीक है। शो ऑफ करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है और साथ के साथ साथ मिल जाता है गुरु का। अब गुरु यानी कि अगर कोई भी काम आप गुरु से रिलेटेड करते हैं, देखिए ज्ञान दोनों के पास है, ठीक है, शुक्राचार्य के पास भी और बृहस्पति के पास भी। तो आप चीज़ें अर्न कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आप पा सकते हैं इसके अंदर। अगर मैं कहूँ करियर वाइज क्या किया जा सकता है, तो देखिए जो गुरु होता है नंबर थ्री यानी कि स्पिरिचुअल होता है, नॉलेजेबल होता है, बहुत सारी चीज़ों का माइंड होता है कि मैं ये भी सीख लूँ। ऐसे लोग जो अपने एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा सीखते हैं, किसी के कहे अनुसार नहीं सीखते। अगर इनको जानना है, कुछ भी करना है, तो सबसे पहले खुद करके देखेंगे और उसके बाद ही सीखेंगे और उसके बाद जो है आगे स्टेप रखेंगे। कुछ भी करना है तो ये अपने दिमाग से चलना पसंद करेंगे, ठीक है। अब 6 और 3 क्या काम किया जाए, काम ऐसा जिससे दूसरों को ज्ञान मिले, ठीक है, बेनिफिशियल रहेगा। आप टीचिंग में जा सकते हैं, आप क्रिएटिव फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग कर सकते हैं आप, जो भी मटेरियल्स हैं उनसे रिलेटेड, और साथ के साथ मतलब क्रिएटिविटी कुछ भी, इंटीरियर आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग और ऑफिसर लाइक पोस्ट कुछ भी आप जो है इसमें ट्राई कर सकते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आप एडवोकेट बन सकते हैं, जुडिशरी में जा सकते हैं, ठीक है, आप पॉलिटिशियन हो सकते हैं। तो यस, काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपके पास करने के लिए। लेकिन नेगेटिव चीज़ें क्या होंगी, नेगेटिव चीज़ें होंगी मैरिड लाइफ मैक्सिमम जो है जिनका एंटी नंबर होता है, उनकी लगभग ऐसी चलती है जैसे कि कच्चे रस्तों पर गाड़ी चलती होती है, ये वाली, ठीक है। स्मूथ कम और अप डाउन ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसी मैरिड लाइफ होती है, मैनेज की जा सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि सामने वाला आपको कितना समझता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, मैरिज थोड़ी सी लेट हो तो बेनिफिशियल है, क्योंकि तब तक आप जिंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव सीख जाएंगे एंड लाइफ में एडजस्टमेंट कहाँ करनी है वो समझ में आ जाएगा। अदरवाइज जब तक आप वो उतार चढ़ाव नहीं सीखेंगे तब तक जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अर्ली मैरिज में प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होती है, क्योंकि व्यक्ति खुद को ही नहीं समझ पाता और समझना पड़ जाता है पूरे घर को, ठीक है, और लड़ाई खुद के दिमाग से होगी, चीज़ों को समझने से होगी, लोग आपके अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे और वो वैसे भी नहीं करते, लेकिन आप एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा होगी कि दूसरे आपके अकॉर्डिंग काम करें। क्यों? क्योंकि गुरु, डबल गुरु का यहाँ पर भाव आ गया, ठीक है। तो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहती है,
जिनका 6 और 3 का कॉम्बिनेशन होता है, या मैं कहूँ एंटी नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है, चाहे वो 6-3 है चाहे 1-8 है, ठीक है। तो यस, अगर आप अपने आप को समझ जाएंगे ना और आप अपनी सही ट्रैक यानी कि सोर्स ऑफ अर्निंग प्रॉपरली डेवलप कर लेंगे एंड आफ्टर दैट आप मैरिज करेंगे, तो मैक्सिमम चांसेस है कि वो निकल जाए, ठीक है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जिनके भी एंटी नंबर्स होते हैं, सबसे पहले आप फोकस करें अपने आप पर, अपने दिल और दिमाग की शांति पर, चीज़ों को समझने पर, और साथ के साथ सोर्स ऑफ अर्निंग पर, ठीक है। जैसे वेल सेटल हुए उसके बाद आप कोई भी डिसीजन ले लें, आप आराम से सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। और ये होता है 6 और 3 का कॉम्बिनेशन। अब बारी आती है कि इनके फ्रेंडली नंबर्स कौन से होते हैं। देखिए, 6 के जो फ्रेंडली नंबर होते हैं वो होता है 1, 5, 4, 7 एंड 8 और 6 इटसेल्फ, ठीक है। 3 के जो फ्रेंडली नंबर होते हैं सेम है, ठीक है। और यस, ये फ्रेंडली नंबर्स होते हैं। अवॉइड 2, आपस में एंटी तो साथ में ही बैठे हैं, ठीक है। जो सामने वाला पर्सन, अगर 3 एंड 6 को आप थोड़ा सा अवॉइड करें तो चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि दोनों ही नेगेटिव चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कई बार, ठीक है। तो ये है कि 3 एंड 6 का कॉम्बिनेशन कैसा होता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपकी लड़ाई बाहर वालों से कम आपके दिमाग से ज़्यादा होगी। एंड सेकंड चीज़, खुद को समझ जाएं, दुनिया अपने आप समझ में आ जाएगी, ठीक है। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, ऑलवेज़।